हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अज आप इस वीडियो दे विच गल करांगे वोटर कार्ड ऑनलाइन किदां अप्लाई करना वा। आपां तुहानूं इह मोबाइल तो अप्लाई करके दिखावांगे, किसी भी कैफे ते जाण दी लोड़ नहीं हैगी। सो आपां तुहानूं पेमेंट च कोई नहीं लगनी हैगी, फ्री ऑफ कॉस्ट तुहाडा अप्लाई हो जाना वा। सो जदों तुसीं इहदी ऑफिशियल साइट दा जिहड़ा लिंक आ तुहानूं मैं डिस्क्रिप्शन च प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे तुसीं इहनूं जदों इह बण जांदा ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकदे आ। डाउनलोड दस्सांगा किदां करना वा, सारी वीडियो तुसीं फुल वीडियो देखनी है, स्किप ना करे बिल्कुल भी। स्टैप बाय स्टैप तुहानूं दस्सांगे किदां अप्लाई करना वा ते लास्ट ते किदां तुसीं इहनूं डाउनलोड कर सकदे हो। सो वीडियो शुरू करन तो पहलां जिहड़े भी अपने चैनल ते नवें आए आ, सारे नूं पहलां अपने चैनल नूं सबसक्राइब कर लियो। नाल जिहड़ी बैल आइकन आ रहा वा उत्ते जरूर क्लिक कर दिया करो, तां कि जिहड़ी भी आपां नवीं वीडियो लैके आउंदे आ उहदा जिहड़ा नोटिफिकेशन आ सारे नूं पहलां तुहाडे कोल आ सके। सो वीडियो शुरू करदे आ। तुहानूं पहलां तुसीं जिहड़ी दी ऑफिशियल साइट आ इत्थे आ जाणा वा। इहदा जिहड़ा लिंक आ तुहानूं मैं डिस्क्रिप्शन च प्रोवाइड करवा दूंगा, उत्थों जाके डायरैक्ट इस साइट ते आ सकदे हो। सो जदों तुसीं इस साइट ते आ गए, अपने कोल इत्थे ऑप्शन आ रही है इत्थे साइड ते थ्री डॉट दी, इत्थे क्लिक कर लेना वा। उस तों बाद आपां इत्थे लॉगिन ते क्लिक करना वा। इहदे वास्ते डॉक्यूमेंट किहड़े किहड़े चाहीदे आ, देखो पहला इक तां तुहाडा आधार कार्ड चाहीदा वा, दूसरे नंबर ते पैन कार्ड चाहीदा वा, तीसरे नंबर ते इक तुहाडी फोटो चाहीदी आ, मोबाइल नंबर ते मेल आई डी। तो जिदा कि आधार कार्ड तुहानूं मैं दस्सिया, आपां आधार कार्ड नूं एड्रैस प्रूफ भी आपां यूज़ कर सकते हैं, तो जिहड़ा आधार कार्ड हुंदा आपां नूं हुण आपां डेट ऑफ बर्थ भी यूज़ कर सकते हैं। पैन कार्ड कंपलसरी नहीं हैगा, जे किसी कोल पैन कार्ड हैगा तो वह नाल अपलोड कर सकता वा। जे किसी कोल इलैक्ट्रिसिटी बिल हैगा अपना, वह भी अपलोड कर सकता वा। तीन चार डॉक्यूमेंट हैगे बेसिकली, आधार कार्ड के नाल ही तुसीं इह जिहड़ा वोटर कार्ड हो अपलाई कर सकते हो। तो जदों आपां इस साइड ते आ गए, सारे नाल पहलां तुसीं की करना, इत्थे आई इत्थे लिखिया होया डोंट हैव अकाउंट ते क्लिक करांगे आपां, क्योंकि आपां नवां अकाउंट क्रिएट करना वा, इत्थे क्लिक करांगे। सो आफ्टर दैट तुसीं इत्थे अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना वा। मोबाइल नंबर तुहाडे कोल चलदा होना चाहीदा वा, क्योंकि उहते ओटीपी आउणा वा। मोबाइल नंबर फिल करन तो बाद इत्थे आपां कैप्चा फिल करांगे, ते उस तो बाद आपां सेंड ओटीपी ते क्लिक करांगे, ते उस तो बाद तुहाडे मोबाइल नंबर ते इक ओटीपी आउंदा वा। जदों आपां सेंड ओटीपी ते क्लिक कीता, तुहाडे मोबाइल नंबर ते ओटीपी आउणा, उह आपां इत्थे फिल करन तो बाद उहनूं वेरीफाई ओटीपी ते क्लिक करांगे, ते उस तो बाद अपने कोल ऑप्शन आ जाती है इत्थे आई हैव एपिक नंबर। एपिक नंबर का मतलब हुंदा वोटर कार्ड जे तुहाडा पहला बनया होया वा, ते उहदा आपां नंबर इत्थे लिखना वा, क्योंकि इस टाइम आपां फस्ट टाइम बना रहे हैं, इस करके आपां आई डोंट हैव एपिक नंबर ते क्लिक करांगे। ते उस तों बाद आपां कोई नहीं एपिक नंबर नहीं मंगना। देखो जो तुसीं इत्थे क्लिक कीता आई डोंट हैव एपिक नंबर, सारे नालों पहलां आपां फस्ट नेम लिखना, उस तों बाद लास्ट नेम लिखना वा। आफ्टर दैट तुसीं इत्थे अपनी ईमेल आई डी लिख लेनी है, उस तों बाद आपां एक पासवर्ड जनरेट करना वा। देखो पासवर्ड जिहड़ा किदां जनरेट करना वा, सारे नालों पहलां जिहड़ा आपां कैपीटल लैटर इत्थे मैनशन करना वा, जिदा किसी का नाम आपां इत्थे मैनशन करते, उस तों बाद सारे समॉल लैटर आपां यूज़ करने आ। आफ्टर दैट तुसीं इत्थे एक सैंपल लै लेना, उस तों बाद नंबर आपां लिख लेने आ। सेम पासवर्ड तुसीं इत्थे कन्फर्म करना वा, नीचे कन्फर्म पासवर्ड ते भी आपां सेम पासवर्ड फिल करांगे। उस तों बाद आपां करना वा रजिस्टर ते क्लिक, रजिस्टर ते क्लिक तां अपने कोल इत्थे यू आर रजिस्टर्ड सक्सैसफुली आ जांदा वा। तो उस तों बाद आपां की करना, इत्थे यूजर नेम दे विच अपना मोबाइल नंबर भर देना वा, जां तुसीं अपनी ईमेल आई डी भर सकते हो, तो जिहड़ा तुसीं पासवर्ड क्रिएट कीता सीगा इत्थे आपां मैनशन करांगे। उस तों बाद आपां कैप्चा फिल करन तों बाद लॉगिन कर देंगे। लॉगिन ते क्लिक करन दे बाद अपने कोल इस तरह की विंडो शो हो जाती है। इत्थे साइड ते अपने कोल ऑप्शन आ रही है, इहदे विच रजिस्टर एज ए न्यू इलैक्टर। सो जिन्होंने पहला वोटर कार्ड नहीं बनाया, सो वह ए वाले लिंक ते क्लिक करनगे, ते उस तों बाद जिहड़े हैगे आ ओवरसीज़ इंडियन जिहड़े नहीं हैगे, वह इन्होंने सैकेंडरी ऑप्शन ते क्लिक करना वा। सो जिन्होंने जिहड़ा कि इनफॉर्मेशन ऑफ आधार नंबर बाय एग्जिस्टिंग इलैक्टर्स, जिहड़ा आधार कार्ड दे नाल डाटा तुसीं आधार कार्ड अपने वोटर कार्ड दे नाल लिंक किदां करना वा, वह वाला लिंक यह वाला वा। उस तों बाद जे किसी ने करैक्शन करवानी अपने वोटर कार्ड दे विच, फोर्थ नंबर ते अपने कोल ऑप्शन आ जाती है। तो आपां अज गल करनी आ नवां वोटर कार्ड तुसीं किदां अप्लाई करना वा। सारे नालों पहलां आपां क्लिक कर लेना वा रजिस्टर एज ए न्यू इलैक्टर ते क्लिक करांगे।
सो इस तरह का अपने को पेज आ जाता वा। ये तुम्हें की करना वा, इतने जोड़ा फॉर्म नंबर 6 आ रहा वा तो इतने आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अपने को ऑप्शन आ जाती ये सर पहला इतने अपनी जी लैंगुएज सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने तो बाद नीचे तुम आ जाना इतने एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू वोटर्स उपर मैनशन किया हुआ वा तो उस तो बाद अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना वा। स्टेट सिलेक्ट करने तो बाद इतने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना वा। आफ्टर दैट तुम इतने अपनी असेंबली जी है सिलेक्ट कर लेनी है। असेंबली का किदा पता लगता वा जिदा कि अपने घर किसी फादर मदर का जिदा वोटर कार्ड बनया हुआ वा वो बैकसाइड से एड्रैस वाली थान पर लिखी होंगी है असेंबली तो तुम चैकआउट कर सकते हो। सो उस तो बाद आप बिल्कुल नीचे आ जाना वा इतने अपने को ऑप्शन आ रही है परसनल डिटेल के अपना फस्ट नेम फॉलोड बाय मोबाइल मिडल नेम इतने तुम अपना सर पहला फस्ट नेम फिल करना वा उस तो बाद इतने अपना सरनेम फिल कर देना वा जिहड़ा थले नीचे ऑप्शन आ रही है इन रीजनल जी थी मदर टंग हैगी आप नीचे फिल करना वा जे किसी की हिंदी है तो हिंदी फिल करोंगे तो जे किसी की पंजाबी है आप पंजाबी दे विच नीचे फिल कर देना वा। देखो इतने जितों तो तुम ना देखो नीचे वाले जोड़ी ऑप्शन आ रही है मदर टंग के जो तुम इतने क्लिक करोगे उपर वाले ऑप्शन से इंग्लिश के नोट करोगे उस तो बाद जो आप टैप करांगे पंजाबी दे विच ही ऑटोमैटिकली आ जाता वा इनू आप इतनों क्योंकि नाम ये सही नहीं लिखा गया पंजाबी दे विच इनू आप किदां सही लिखना वा इतने साइड से अपने को ऑप्शन आ रही है कीबोर्ड की आप कीबोर्ड से क्लिक कर लाँगे उस तो बाद इनू आप इधर साइड पर ले आवांगे। सो जिहड़ा साइट का ना कीबोर्ड है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा ये वास्ते जो कीबोर्ड है मैं तुम्हें अलग दस देना डाउनलोड किदा करना वा वो जो लिंक आ ऑफिशियल साइट का मैं वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा दूंगा उतों जाके जो कीबोर्ड तुम डाउनलोड कर सकते हो जिदा कि देख मैंने डाउनलोड किया है ये ऑप्शन आ रही है अपने को पंजाबी इंग्लिश टू पंजाबी कीबोर्ड है ये तुम डाउनलोड कर सकते हो जो लिंक है तुम मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा दूंगा इतों जाके क्लिक कर लेना वा तो जिहड़ा अपना नाम इतने फिल कर लेना उस तो बाद सरनेम की ऑप्शन अपने को आ जाती है जे थोड़ा सरनाम हैगा तो इतने आप मैनशन करेंगे इंग्लिश के नीचे थोड़ा पंजाबी लैंग्एज में तुम फिल करना वा उस तो बाद नेम ऑफ द रिलेटिव ऑफ एप्लीकेंट ये अपने फादर का नाम मैनशन करना वा पहला इंग्लिश के मैनशन करा उस तो बाद पंजाबी दे विच करना वा आफ्टर दैट सरनेम जी फादर का हैगा तो पहला इंग्लिश के अपना सरनेम फादर का लिखना उस तो बाद पंजाबी दे विच लिखांगे टाइप ऑफ रिलेशन रिलेशन के आप फादर इतने सिलेक्ट करा तो मोबाइल नंबर उस तो बाद आप फिल करना वा मोबाइल नंबर फिल करने तो बाद आप सेंड ओ टी पी ते क्लिक करांगे ओ टी पी वेरीफाई कर लेना ठीक है उस तो बाद अपनी मेल आई डी या मेल आई डी फिल करांगे मेल आई डी बिल्कुल सही फिल करनी है जो तुम डा वोटर कार्ड जो थोड़ा बन गया वो आप नैट तो ही डाउनलोड कर लेना वा ठीक है आफ्टर दैट तुम इतने अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर लेना वा तो उस तो बाद आप जेंडर ऑफ एप्लीकेंट ये आप जेंडर सिलेक्ट कर लाँगे उस तो बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आ रही है ये सर पहला डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है इतने कैलेंडर आ गया वा कैलेंडर के हिसाब न अपनी जी डेट ऑफ बर्थ बनती है वो तुम ये मैनशन कर सकते हो तो उस तो बाद अपने को नीचे ऑप्शन आ जाती है अपलोड सैल्फ अटैस्टड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ ये इन्होंने एज प्रूफ कहा वा एज प्रूफ के डॉक्यूमेंट लग सकते हैं एक तो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया थोड़ा इंडियन पासपोर्ट पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड भी तुम ला सकते हो तो होर जे थोड़े को अदर कोई क्वालिफिकेशन अदर कोई सर्टिफिकेट हैगा ये मैनशन कर सकते हो तो सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट आई ला सकते हो एज प्रूफ के बेसिकली तो आधार कार्ड ही लग जाना वा ठीक है आधार कार्ड आप ला दें आधार कार्ड लाने तो बाद इतने चूज फाइल से आप क्लिक करा जरा पी डी एफ फाइल बना लेनी है पी डी एफ भी अपलोड ये कर सकते हो तो जी JPG फाइल आ अपलोड कर सकते हो उस तो बाद अपने को ऑप्शन आ जाती है इतने प्रेजेंट ऑर्डनरी रेजीडेंस फॉल एड्रैस ये आप मैनशन करना वा जो आधार कार्ड के उपर एड्रैस मैनशन किया हुआ वा उ एड्रैस जो आप इतने मैनशन करा सर पहला अपना हाउस नंबर लिख लेना वा हाउस नंबर थोड़ा इंग्लिश के आऊगा नीचे थोड़ी जी मदर टंग मैनशन करना वा उस तो बाद सेम फिर स्ट्रीट नंबर ज अपना एरिया लोकेलिटी ज मुहला ज
ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਨੀਅਰ ਰੋਡ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਹੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਆ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਿੰਨ ਕੋਡ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ 2 ਮੰਥ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਬਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਫਿਜੀਕਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਏ ਪੋਸਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਪਲੋਡ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟਡ ਕਾਪੀ ਆਫ ਐਡਰੈਸ ਪਰੂਫ ਆਈਦਰ ਇਨ ਦੀ ਨੇਮ ਆਫ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਔਰ ਐਨੀ ਆਫ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਪਾਊਸ ਅਡਲਟ ਚਾਈਲਡ ਇਫ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਰੋਲਡ ਐਜ ਇਲੈਕਟਰ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਐਡਰੈਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਪਰੂਫ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ PDF ਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, PDF ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹ PDF ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਪਲੋਡ ਯੂਅਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 4.5 cm ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3.5 ਇਹਦੀ ਵੈਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ JPG ਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਟਿੱਕ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆਫ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਐਪਲੀਕੈਂਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਦਰ ਸਿਲੈਕਟ, ਜੇ ਮਦਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉੱਪਰ ਮਦਰ ਨੇਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਦਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਮਦਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਦਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪਿਕ ਨੰਬਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟਾਊਨ ਵਿਲੇਜ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਫਾਰਮ ਇਹ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨੇਮ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਲੇਸ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਲੇਜ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਪਚਾ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਐਂਡ ਸਬਮਿਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਐਂਡ ਸਬਮਿਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਕ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ ਹੀ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਕਿੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ 3-4 ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਜੀਕਲੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
सो जो उन्होंने को नहीं आता यह तकरीबन 15 दिन के नैट पर भी चढ़ जाता वा उतों की PDF डाउनलोड कढ़वा के किसी भी कैफे से जाके वह जो कि PVC कार्ड जिदा तुम्हें पता वा प्लास्टिक कार्ड हों वो जाके प्रिंट आउट कढ़वा सकते हो। नॉर्मली जी गल आ जे तुम छेती बनाना तो इदा हल है वा जे तुम नहीं छेती है महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर वो थोड़े सरपंच या कौंसलर को चले जाते हैं ठीक है। उतों जाके पता कर सकते हो उतों जाके उन्होंने को फिजिकली ले सकते हो। सो जिदा चैक करने का तुम मैं दस देना चैक किदा करना वा वो मैं तुम दस देना एक बार बिल्कुल आप इत होम पेज पर आ जाना बिल्कुल ही सैड पर अपने कोई ऑप्शन आ रही है इतने सैड पर क्लिक करा डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेना वा सो जो तुम होम पेज पर आ गए अपने को नीचे ऑप्शन आ रहा वा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस आप इतने क्लिक कर लेना वा उस तो बाद अपने को ऑप्शन आ रही है स्टेट सिलेक्ट इतने अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। आफ्टर दैट तुम इतने अपना एंटर रेफरेंस ID जी तुम ID मिली आ ये फिल करा तो ट्रैक कर लाँगे ट्रैक करके अपने को 4 ऑप्शन आनगियाँ भी थोड़ा कितने कितने वेरीफाई हो गया वा जो एक्सैप्ट हो गया वो सारिया जो ऑप्शन गेन हो जाएं वा उस तो बाद कि जरा वोटर कार्ड यह बन जाता वा तुम ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। जे तुम कोई प्रॉब्लम आ रही है हजे भी अप्लाई करने के मैं परसनल मैसेज कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाया हुआ वा जे तुम चाहते हो कि असी तुम अपना जे साडे कोलों तुसीं अप्लाई करवाना चाहते हो तुसीं मैनूं मैसेज कर सकते हो डायरैक्टली तुहानूं असीं अप्लाई करके वो तुहानूं जिहड़ा रेफरेंस नंबर प्रोवाइड करवा देंगे। सो अज आपां इस वीडियो दे विच गल कीती आ नवां वोटर कार्ड किदां अप्लाई करना वा जिहड़ी नैक्सट वीडियो आपां लैके आवांगे उह करैक्शन दी आ जे किसी ने वोटर कार्ड दे विच करैक्शन करवाउणी आ उह किदां करवाउणी आ जां तुसीं जिहड़ा कि एक पहलां वोटर कार्ड पुराने हुंदे सीगे उहनूं ऑनलाइन किदां करना वा उहदे ते वी आपां जल्द वीडियो लैके आवांगे। सो मैनूं तुसीं कमेंट करके दस सकदे हो तुहानूं वीडियो पहलां किहड़ी चाहीदी आ उहते आपां वीडियो उह अपलोड कर दांगे। सो इनफॉर्मेशन तकरीबन मैं सारी इस वीडियो दे विच प्रोवाइड करवाती आ तो जे कोई इनफॉर्मेशन रह गई तुसीं मैनूं कमेंट करके पुछ सकते हो असीं जल्दी तो जल्दी तुहानूं कमेंट करके उहदा हल जरूर दसांगे। सो जे तुहानूं अपनी इह अपडेट पसंद आई आ तां अपने चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ इस तरह वीडियो देखण दे लई। सो जिहड़ा नाल बैल आइकन आ रिहा वा उह ते जरूर क्लिक कर दिया करो तां कि जिहड़ी वी आपां नवीं अपडेट लैके आईए उहदा जिहड़ा नोटिफिकेशन आ सारों पहलां तुहाडे कोल आ सके। ओके थैंक यू गाइज़।